थैनोस टोनी स्टार्क की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों करता था? इसके लिटरली तीन रीजन है जिसकी वजह से थैनोस आयरन मैन की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। नंबर 3, आयरन मैन का ब्रेन। ये तो हम सभी जानते हैं कि आयरन मैन कितना ज्यादा इंटेलिजेंट था और ये बात थैनोस को भी पता थी, क्योंकि सारे इंफिनिटी स्टोन का बेहतर तरीके से उपयोग थैनोस के अलावा कोई कर सकता था तो वह आयरन मैन था। इसलिए थैनोस आयरन मैन को मारते वक्त अपना एक सैक्रिफाइस बताता है और सारे इंफिनिटी स्टोन का यूज करता है। नंबर 2, सैक्रिफाइस। जब थैनोस ने अर्थ पर अपनी सेना भेजी थी तब उस टाइम आयरन मैन ने ही न्यूक्लियर मिसाइल लेकर चित्तौरी आर्मी के शिप पर दे मारा था, इसलिए थैनोस जानता था कि आयरन मैन अपने आप को हमेशा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहता है। नंबर 1, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन। आयरन मैन का एक आम आदमी होना, थैनोस ने अपने पूरे जीवन काल में जिस किसी से भी फाइट किया वो बड़े बड़े सुपर पावर्स रखने वाले बींग है। उसने अपने जीवन काल में कभी किसी आम प्रतिवासी के साथ फाइट नहीं किया। आयरन मैन एक अकेला आम प्रतिवासी था जिसने इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का जमकर मुकाबला किया था।